प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, जो कराची का वेदर पिछले दिनों से हो रहा है, यानी तकरीबन समझ के डेढ़ महीना हो गया है, बारिशें भी हो रही हैं और फिर पानी भी जमा हो रहा है शहर में, और लोगों का रोज़गार भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और प्रॉपर्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैं एक प्रॉपर्टी के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, कभी कभी मैं भी इधर चक्कर लगाता हूँ, तो इस मार्केट में पहले बड़ी रौनक होती थी, अब इस मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा सा ये देख सकते हैं आप। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो वेदर चेंजेस हो रही हैं, मुझे जहाँ तक पता चला है कि एक बार लाइन थी इंटरनेशनली कि भाई इतना कार्बन जो है वो जाएगा तो फिर ख़तरे से खाली नहीं होगा, और वो बार लाइन दुनिया क्रॉस कर चुकी है। इतना फ्यूल बर्न हो रहा है, ये सारा कार्बन जा रहा है, जिसकी वजह से सारा वेदर शिफ्ट हो गया है, नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां भी हो रही हैं। फिर ये कि इवन के पेट्रोल गैस महंगी हो गई है हर चीज़। आज मैं वहाँ गया इलेक्ट्रिक के ऑफिस जहाँ बिल्स वगैरह लोग जमा कराते हैं, वहाँ एक हंगामा सा मचा हुआ था, फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए लोग परेशान थे कि इतना ज़्यादा बिल आ गया, ये क्या वजह है? वजह यही है कि हम हद से ज़्यादा फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने माहौल को ख़राब कर दिया, पूरे ग्लोब को कार्बन के छतरी में ले आया। और बस क्या है कि अब लोग जो परेशान होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि कराची में जो टेम्परेचर है नॉर्मली गर्मियों में बड़ी हद क्रॉस करता है, तो 45 सेल्सियस होता है, मगर इस तरह अगर रेशो बढ़ना शुरू हो गया तो ये 50 क्रॉस कर सकता है, 55 क्रॉस कर सकता है, तो फिर ये जगह रहने के काबिल नहीं होगी, लोग फिर शिफ्ट कर जाएंगे नॉर्दर्न एरिया की तरफ, और वहाँ की प्रॉपर्टी बूस्ट कर जाएगी, और यहाँ कोई प्रॉपर्टी क्या, लोग अपना घर बेचना भी चाहेंगे तो नहीं बिक पाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है ये, देखे। और फिर महंगाई इतनी हो गई है कि ये मार्केट किसी ज़माने में बड़ी रहल पहल थी, आज ये देखें ये पूरी मार्केट खाली सी पड़ी हुई है। ये मैं आपको एक छोटा सा सर्वे कराता हूँ, यहाँ पे कस्टमर क्या किसी की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, हर तरफ सन्नाटा है, क्या कर सकते हैं लोग, गलियों में कीचड़ है, आप देख सकते हैं कस्टमर कहाँ से आएगा, हर तरफ सन्नाटा है। ये वो टाइम है, पीक टाइम, कि यहाँ बड़ा रश होता था किसी वक्त। ये गुलिस्तान जोर का इलाका है, ब्लॉक 14, इस मार्केट में पहले रौनक ही रौनक होती थी, हत्ता के ये हजाम है, इसकी भी देखे सीटें खाली पड़ी है, कस्टमर नहीं है, वो बेचारा बैठा मोबाइल से लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, कारोबार तो है नहीं। इस सूरत में यही हो सकता है कि बड़े बड़े सियासतदान मिल बैठकर बात करें, मसले का हल निकालें, फ्यूल्स को कम खर्च करें, दुनिया के अंदर अगर और कार्बन फैलाते रहे, हम फ्यूल बर्न करते रहे, तो फिर ये प्लैनेट अर्थ, ये ग्लोब है, इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा, और जानवर तो पहले ही मुतासर हो रहे हैं, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं हर तरफ, पानी की शॉर्टेज भी है पीने की, बहुत मसाइल हो गए हैं। ये देखें, अपना ख्याल रखें, ये एक हकीकत है कि हमें फ्यूल कम खर्च करना चाहिए,
बिजली का इस्तेमाल कंट्रोल करना चाहिए, तभी ये दुनिया बच पाएगी। अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें।